Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 5th standard grammar subject, okay? 5th standard ka hum grammar subject start karenge. Lesson number 12, Future Continuous Tense. Kiske baare mein bachcho padhenge aaj? Future ke baare mein. Future Continuous Tense ka sentence banane ke baare mein. To uske pehle hum ye sikhenge ki Future Continuous Tense hota kya hai. To ye hume batata hai, tell us about action that will be in progress at some time in the future. Ye hume batata hai, thode samay mein ye kaam hone wala hai. हम ये काम करने वाले हैं, जैसे कि हम कल लाइव क्लास लेने वाले हैं, तो ये क्या होगा? फ्यूचर में होगा, ठीक है? तो ये भी फ्यूचर में होने वाला है, वो चीज़ बताएंगे. वी यूज शैल बी एंड विल बी. हम क्या यूज़ करेंगे इसमें? शैल बी या फिर विल बी एज एन हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस, ठीक है? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा? शैल बी या फिर will be. Read the following sentence. He will be celebrating his birthday next Sunday. बोलते हैं ना, वो अपना बर्थडे अगले संडे को बनाने वाली है. They will be going for a school picnic. वो लोग कहाँ जाने वाले हैं? स्कूल पिकनिक जाने वाले हैं. I shall be doing my homework at 6 PM. तो क्या बोल रहे हैं कि मैं अपना होमवर्क 6 बजे करेंगे, ठीक है? द वर्ब्स यूज इन द अबव सेंटेंस आर इन द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ये जो हमने सेंटेंस पढ़े हैं, विल बी, शैल बी, ये सब क्या कंटिन्यूस टेंस को दर्शाते हैं. कौन से वाले? तो फ्यूचर वाले, ठीक है बच्चों? देखो अभी इसका फॉर्मेशन कैसे होगा. आईएनजी कब लगेगा? मेन वर्ब में लगेगा. वी यूज द आईएनजी फॉर्म्स ऑफ द मेन वर्ब. कहाँ लगेगा? मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा. और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? शैल बी या फिर विल बी, ठीक है? अभी देखो, यूजेज ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ये कहाँ होगा यूज? तो वी यूज द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन इन अ प्रोग्रेस. तो ये किसके लिए होगा? फ्यूचर में जो हम काम करने वाले हैं उसके लिए होगा, उसको दर्शाते हुए होगा. टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन इन अ प्रोसेस, ठीक है? इन द इवनिंग आई विल बी बेकिंग अ बर्थडे केक. इवनिंग में क्या करने वाले हैं? बर्थडे केक बनाने वाले. इन एन आवर और टू आई विल, हाँ, तो इन द इवनिंग वो क्या करने वाले हैं? केक बनाने वाले हैं, ठीक है? इन एन आवर्स और टू, देखो, एक घंटे में भी, दो घंटे में वो कोई चीज़ करने वाले हैं, वो बोलेंगे. तो आई विल बी सीटिंग इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली. तो बता रहे कि इन एन आवर, मतलब एक घंटे में या फिर दो घंटे में वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठेंगे. टू मेक, देखो इसमें बता रहे कुछ चीज़ के बारे में, है ना? तो क्या अभी होने वाला है या फिर करने वाले है? तो पहले सेंटेंस में क्या बताया उसने कि वो केक बनाने वाला है इवनिंग में, और दूसरे सेंटेंस में उसने क्या बताया कि एक या फिर दो घंटे बाद वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठने वाले हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद ये करेंगे वो करेंगे, यानी फ्यूचर एक्शंस बताते हैं. टू मेक पोलाइट क्वेश्चंस, इसमें हम पोलाइटली क्वेश्चंस भी बना सकते हैं. अबाउट समथिंग या फिर समबड़ी, इसमें हम पूछ सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि कुछ इस चीज़ के बारे में या फिर किसी जन के बारे में. विल यू बी गोइंग टू द ग्रोसरी मार्केट, क्या आप मार्केट में जाओगे? I have something to buy, मुझे कुछ लेना है. अगर आपको कुछ शॉपिंग से, दुकान से लाना हो, तो आप मम्मी को पूछते हो ना, क्या आप जाओगे ऐसा, ठीक है? Will you be coming home before or after 11 PM? तो आप कभी किसी को पूछते हो ना अपने फ्रेंड्स को, क्या तुम मेरे घर पे आओगे 11 बजे के पहले या उसके बाद, ठीक है? ऐसा पूछने वाला चीज़ होगा, ठीक है? अभी देखो, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. अभी ये जो सेंटेंस दिए गए हैं उसको आपको क्या करना है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है. देखो पहला क्या है, द डॉक्टर विल विजिट अस टुमारो. डॉक्टर हमें कल मिलेगा, तो उसका हम क्या चेंज करेंगे? डॉक्टर विल बी विजिटिंग. इसमें मैंने क्या बताया बच्चों कि मेन वर्ब में क्या होगा? आईएनजी लगाएंगे, और हेल्पिंग में विल या फिर शैल यूज़ करेंगे. तो इसमें क्या होगा, ये डॉक्टर क्या करेंगे? कल हमें मिलने आएंगे, ठीक है? द डॉक्टर विल बी विजिटिंग अस टुमारो. शी इज़ कमिंग टुमारो, वो कल आ रही है. विल, वी विल बी, देखो इसमें क्या होगा, शी इज़ कमिंग टुमारो. तो इसका हम क्या बनाएंगे? शी विल बी, क्या होगा? विल यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों? क्या यूज़ करेंगे? विल यूज़ करेंगे. वी विल गेट अवर डिनर, देखो ये भी देखो, वी विल गेट अवर डिनर पैक फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स. डिनर का पैकेज उनको रेस्टोरेंट से मिलेगा, तो इसका क्या आएगा? वी विल बी,
क्या, खाली वी विल भी यूज़ करना है बाकी सब सेंटेंस में से। ठीक है, उसी तरह से आप ये सेंटेंस कंप्लीट करोगे। देखो, आई विल डू माई होमवर्क इन द इवनिंग, वो दोपहर में अपना होमवर्क करेगा, तो आई विल बी डू के जगह पे डूइंग हो जाएगा, माई होमवर्क इन द इवनिंग। ठीक है, तो उसी तरह से आपको करना है। द गोइंग टू फॉर्म, गोइंग टू फॉर्म, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन केयरफुली। देखो, गोइंग टू किस तरह से यूज़ करना है वो एकदम ध्यान से पढ़ना है। आई एम गोइंग टू विन दिस मैच, ये जीतने वाला है, ये बोलता है ना कि ये मैच तो मैं जीतने ही वाला हूँ, है ना। माई मदर इज़ गोइंग टू गेट अ न्यू ड्रेस, मेरी मम्मी मेरे लिए नया ड्रेस लेने वाली है। दे आर गोइंग टू टेल अस अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो लोग हमें अच्छी सी स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो देखो, इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, वी, और इसमें मेन वर्ब वो सब यूज़ करना है, इज, आर, एम वाला। ठीक है, गोइंग टू, फर्स्ट, रूट, ये सब यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। हाँ, तो द गोइंग टू फॉर्म, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो केयरफुली। तो देखो, ये हमने सेंटेंस पढ़े, आई एम गोइंग टू विन दिस मैच, ये मैच मैं जीतने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले से हम अनुमान लगाते थे ना कि हाँ ये जीतने वाले हैं, ये सब मैंने बताया। फिर माई मदर इज़ गोइंग टू गेट अ न्यू ड्रेस, बोलते हैं ना कि मेरे बर्थडे पे मम्मी नया ड्रेस लेके देगी, तो ऐसे बोलते हैं ना, मेरी मम्मी नया ड्रेस लेके देगी, ऐसा टाइप का सेंटेंस। ठीक है, अभी देखो गोइंग टू वाला यूज़ कैसे करना है। यूजेज ऑफ गोइंग टू फॉर्म, द गोइंग टू फॉर्म इज़ यूज टू एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। व्हेन वी इंसर्ट गोइंग, डूइंग समथिंग इन अ न्यू, देखो नियर फ्यूचर के बारे में हम बताने वाले होते हैं। आई एम गोइंग टू स्कोल हर फॉर हिज मिस हर मिस्टेक, उसकी गलती के लिए मैं उसे डांटने वाला हूँ। शी इज़ गोइंग टू कॉल हर राइट नाउ, वो अभी उसको कॉल करने वाले हैं। ठीक है, इस सब के लिए यूज़ होगा। व्हेन देयर आर क्लियर साइन दैट समथिंग विल हैपन वेरी सून, और अभी देखो जब हमें पता होता है ये जल्दी होने वाला है, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, इट हैज़न्ट रेन सो फार, ये अभी बारिश नहीं हुई है लेकिन अभी होने वाली है। इधर क्या हो, देखो अभी बारिश नहीं हुई है लेकिन अभी क्या होगा, सूखापन हो जाएगा ना। देखो, इट्स हैज़न्ट रेन सो फार, देयर इज़ गोइंग टू बी अ ड्रॉच, देखो अभी इतना बारिश नहीं हुआ है बहुत टाइम से, तो क्या होगा, सूखापन हो जाएगा, ड्रॉच हो जाएगा, ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। लुक एट द चिल्ड्रन रनिंग, ही इज़ गोइंग टू विन द कॉम्पिटिशन, देखो वो बच्चे भाग रहा है, वो अभी जीतेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये इसमें देखो अभी क्या है, ये सेंटेंस में आपको, ये एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट्स के बारे में दिया है, उसके बारे में आपको कंप्लीट करना है गोइंग यूज़ करके। तो देखो, उसका नाम लिखना है सेंटेंस में, इज गोइंग टू बिकम अ, गोइंग टू बिकम अ, ये सब यूज़ करके आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, ये आप कर लोगे। सिर्फ क्या करना है, इज़ गोइंग टू बिकम अ, जो देखो इन टू अ मूवी, इन टू अ डॉक्टर, ये सब यूज़ करना है। अभी ये देखो, ये सेंटेंस को आपको किस तरह फ्यूचर में कंप्लीट करना है, ब्रैकेट को यूज़ करते हुए, सिर्फ आपको विल बी यूज लगाना है और आईएनजी। देखो, हिंडर तो हिंडिंग, फिर ये सब, परफॉर्म तो परफॉर्मिंग, क्वेश्चन तो क्वेश्चनिंग, है ना। तो आपको ब्रैकेट में दिया है, उसमें सिर्फ आईएनजी ऐड करना है और आगे क्या करना है, विल बी या फिर शैल बी यूज़ करोगे। ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब, मेन वर्ब यूज़ करना है। मेन वर्ब में आप क्या करोगे, आईएनजी ऐड करोगे और आगे क्या यूज़ करोगे, शैल बी और विल बी। अभी देखो, ये इसमें क्या करना है आपको, ये फ़ोटोज़ को देखना है और उसके रिलेटेड सेंटेंस बनाना है। तो देखो, हम लोग ये फ़ोटो में देखो, वी शैल बी सीइंग टाइगर इन द जू, ये क्या कर रहे हैं बच्चे, टाइगर देख रहे हैं, तो ये देखने वाले हैं, ऐसा बताएंगे ना, फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। तो रीटा विल बी रीडिंग द बुक, वो क्या करेगी, बुक पढ़ेगी। तो देखो, आई विल बी डूइंग कराठा, ये क्या करेगा, कराठा खेलेगा, तो आई विल बी आएगा। ठीक है, वर्ब में, मेन वर्ब में क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे। टॉम विल बी रोलिंग, टॉम क्या करेगा, रोलिंग करेगा। आई विल बी प्लेइंग विद द कैट, मैं किसके साथ खेलेंगे, कैट के साथ। तो ठीक है बच्चों, ये वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से फ्यूचर का सेंटेंस बनाना है, हो बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, आप एक और बार ये देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।